Hello guys, now we are going to discuss the very important article scattering of light. एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. काफी बार एग्जाम्स में एज अ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम वो आपसे पूछी जा चुकी हैं. तो ये जो आर्टिकल है आपने इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करना. आर्टिकल थोड़ा लेंथी जाएगा तो आपने इसे लास्ट तक देखना है, बिकॉज इसकी जितने भी एप्लीकेशंस होंगी वो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे. क्लियर? तो देखिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है. जैसे देखिए, मैंने एक फिनोमिना डिस्कस किया था डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में, और एक है हमारे पास यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में. एक्चुअल में क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलना और स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना. क्लियर? एक तरह से क्या है कि जो डिस्पर्जन फिनोमिना होता है वो किससे रिलेट करता है, लाइट की कॉन्टिन्यूस नेचर से डील करता है. लाइक जैसे सपोज करो आपने कोई लिक्विड लिया या वॉटर लिया, आपने वो गिरा दिया, देन यू विल से कि वो फैल गया लिक्विड. क्लियर? तो वो होता है डिस्पर्जन एक तरह से. और स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना किसी चीज का. जैसे सपोज करो कि मैंने कोई कलेक्शंस ली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, एंड देन मैंने उसे गिरा दिया, देन वो आपके पास क्या होगा, स्कैटरिंग फिनोमिना होगा. तो यहां पे हमने क्या करना है, लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करना है. क्लियर? मीन्स इसमें है क्या कि आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्टेकल होगा, एंड देन लाइट क्या करेगी, उस पर स्ट्राइक करेगी, एंड देन वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगी, स्कैटर होगी. क्लियर? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता क्या, बेसिकली ये चीज हमने अंडरस्टैंड करनी है. देखिए क्या होता है लाइट की कंडीशन में. अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, या कोई भी मैंने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया. अगर मैं कहता हूं कि लाइट यहां पर स्ट्राइक करती है, तो होता क्या है, रिलेटिवली अगर इसका साइज बहुत बड़ा है, अगर इसका साइज बड़ा है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तो ये क्या करता है, उस लाइट की एब्जॉर्प्शन कर लेता है. क्लियर? मींस यहां पे लाइट इस टाइम पे क्या होगी, स्कैटर नहीं होगी. स्कैटर का मतलब क्या होता है, एक तरह से कि जैसे लाइट स्ट्राइक कर रही है एंड देन स्ट्राइकिंग के बाद क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है. तो वही चीज आपके पास क्या होता है, यहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल की फॉर्म में वो क्या होगी, वहां से रिफ्लेक्ट होगी. अब देखिए यहां पे अगर इसका साइज बड़ा है तो जब लाइट स्ट्राइक करेगी देन उसकी क्या होगी, यहां पे एब्जॉर्प्शन होगी. क्लियर? यहां पे एब्जॉर्प्शन फिनोमिना अक्कर होगा. बट अगर सपोज करो मैं इसी पार्टिकल का साइज स्मॉल ले लेता हूं, तो जब लाइट यहां पे स्ट्राइक करती है देन वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में यहां पे क्या होती है, स्कैटर हो जाती है. तो ये हमारे पास होता है स्कैटरिंग फिनोमिना. क्लियर? मीन जब लाइट स्ट्राइक करी और वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो चुकी है, रिफ्लेक्ट हो चुकी है, देन दिस इज नोन एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. जैसे सपोज करिए एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं. जब लाइट उसके पास ऊपर क्या करती है, स्ट्राइक करती है, देन होता क्या है कि अगर मुझे वो पार्टिकल विजिबल हो जाए After the reflection, then वो चीज scattering of light है. Just एक simple हम daily life का example discuss करते हैं. Just like आपने कभी देखा होगा, suppose करो आप एक room में बैठे हुए हो और उस room में एक window है और वो window open है, ठीक है. तो होता क्या है कि उस window के through क्या होता है, sunlight enter करती है. जब sunlight enter करती है then you will see कि आपको सनलाइट के अंदर क्या होते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, आपको डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं जो इधर उधर मूव कर रहे हैं. क्लियर? तो एक तरह से क्या है कि वहां पे मुझे जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो विजिबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि वहां पे जो सनलाइट है उन पार्टिकल्स के ऊपर स्ट्राइक करती है एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शंस वो मेरी आईज में एंटर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे वो पाथ दिखाई देने लग जाता है. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि आपने लाइट चैप्टर में भी इस चीज के बारे में स्टडी किया होगा कि मैं उसी ऑब्जेक्ट को देख सकता हूं कि जो आफ्टर द रिफ्लेक्शन मेरी आईज में क्या करेगा, एंटर करेगा. क्लियर? तो वही चीज यहां पे आपके पास होगी कि मींस होता क्या है कि लाइट जस्ट स्ट्राइक करी एंड देन रिफ्लेक्शन मेरी आईज में एंटर करे. तो होता वही है कि अगर मुझे वो डस्ट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब लाइट वहां पे स्ट्राइक करती है देन आफ्टर द रिफ्लेक्शंस वो मेरी आईज में क्या करती है, एंटर करती है. क्लियर? तो इनमें ना बेसिकली एप्लीकेशंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो एप्लीकेशंस के लिए ना फर्स्टली वी शुड नो द रिलेशन. एक रिलेशन है जो मुझे यहां पे पता होना चाहिए, वो रिलेशन क्या है, IS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर 4. आपके पास IS क्या है यहां पे, IS इज द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और लैम्डा मेरे पास क्या है,
wavelength of scattered light. तो इसी से हमने क्या करना है, जस्ट आपने कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जस्ट आपने इस रिलेशन को याद रखना है. क्लियर? अब देखिए, स्कैटरिंग के लिए क्या होता है, एक सिंपल सा कंडीशन होता है जिसे हम बोलते हैं रिले स्कैटरिंग कंडीशन. रिले स्कैटरिंग कंडीशन आपके पास क्या है, जो x होना चाहिए मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ लैम्डा. एक्सटर्नली हमारे पास क्या होता है, पार्टिकल का साइज या एटम और मॉलिक्यूल का साइज, मींस जिससे लाइट स्ट्राइक करनी है ना, तो उसका अमाउंट क्या होना चाहिए, जो उसका साइज होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर साइज कम होगा तो जब लाइट स्ट्राइक करेगी तो मोस्टली वो क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी. अगर साइज बड़ा हुआ देन उसकी क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी. तो ये क्राइटेरिया मस्ट है, रिले स्कैटरिंग कंडीशन मस्ट है, क्या कि x आपके पास क्या होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ लैम्डा. और अगर यही कंडीशन वैलिड है तभी आपके पास स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज स्कैटरिंग नहीं होगी. दिस इज अ बेसिकली क्राइटेरिया फॉर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू अकर. तो अब इसी के ऊपर हमने क्या करनी है, इसके एप्लीकेशन स्टडी करनी है. तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो हमारे पास है वो क्या है, फर्स्ट एप्लीकेशन इसमें आती है व्हाई स्काई अपीयर ब्लू इन कलर. मींस क्वेश्चन ये है कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों अपीयर होता है कलर में, वो चीज हमने डिस्कस करनी है. तो मैं आपको इसमें नंबर ऑफ मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू हम इसे डिस्कस कर सकते हैं. क्लियर? अब देखिए, आपको ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है स्काई में, ये कंडीशन हमने देखनी है. देखिए, एक तो मेरे पास क्या है कि एक्स मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ लैम्डा, मींस एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए लैम्डा से कम होना चाहिए. क्लियर? अब देखिए, आपके पास क्या होता है, एक्स है पार्टिकल का साइज. आपको पता है वो जो ब्लू कलर अपीयर होता है वो स्काई में ऊपर की साइड अपीयर होता है, और वहां पे डस्ट पार्टिकल नहीं अवेलेबल होते, वहां पे होते गैसियस पार्टिकल होते हैं, और उन गैसियस पार्टिकल का जो साइज होता है लैम्डा के कंपैरेटिवली क्या होता है, स्मॉल होता है. तो इसका मतलब वहां पे स्कैटरिंग कंडीशन तो ओबे हो रही है. अगर स्कैटरिंग कंडीशन ओबे हो रही है तो इसका मतलब वहां पे स्कैटरिंग प्रोसेस आकर होगा ही होगा. क्लियर? अब देखिए, हमने क्या करना है कि ब्लूइश कलर वो किस टाइप से आता होगा वो चीज हमने डिस्कस करनी है. इन द विबग्योर सेक्शन We know that कि अगर मैं वायलेट टू रेड शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास वेवलेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है. क्लियर? अब देखिए, आपके पास क्या है कि जैसे अगर मैं ये कंडीशन देखूं और एक मेरे पास है IS is inversely proportional to lambda raised to power 4. क्लियर? For this category कि अगर मैं देखूं ब्लू कलर का जो वेवलेंथ होगा comparatively small होगा, अगर वेवलेंथ स्मॉल होगा तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या होगी, आपके पास हाई होगी. तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है फॉर द ब्लू कलर इज वेरी वेरी हाई. और अगर ब्लू कलर के लिए वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए हम कहते हैं कि जो स्काई है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है. बट आपके माइंड में एक डाउट ये भी आ रहा होगा कि अगर मैं ब्लू का वेवलेंथ लो कह रहा हूं तो उसी हिसाब से जो वायलेट कलर है उसका वेवलेंथ क्या उससे भी कम है. अगर वायलेट का सबसे कम है तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, व्हाई इज ब्लू कलर प्रीडोमिनेंट इन द स्काई, कि जो ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है, वायलेट क्यों नहीं दिखाई देता. जबकि अगर कंडीशन देखें तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, अगर ये कम है तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी. तो मुझे ब्लू कलर ही क्यों दिखाई देता है, व्हाई इज अ ब्लू कलर प्रीडोमिनेंट इन द स्काई, क्यों वो प्रीडोमिनेंट है, क्यों वही दिखाई देता है. क्योंकि इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि आप अगर एक चीज देखो कि जो हमारी आईज होती है, ठीक है, दीज आर मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द ब्लू कलर एज कम्पेयर टू द वायलेट कलर. आप खुद ट्राई कर सकते हो, आप एक पर्पल कलर लें, मीन्स वायलेट कलर लें, और एक जगह आप क्या लें, ब्लू कलर लें, देन आप दोनों को देखें, देन आपकी आईज जो होंगी वो किस साइड ज्यादा अट्रैक्टेड होंगी, वो ब्लू कलर की साइड क्या होंगी, ज्यादा अट्रैक्टेड होंगी. तो इस वे में हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं. एक उसका रीजन और क्या बन सकता है हमारे पास, वो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं.
जैसे देखिए कि मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं सन, आपको पता है जो सन से लाइट अपीयर होती है, जो लाइट आती है वो कौन से कलर की होती है, वो हमारे पास होती है व्हाइट कलर की, मीन्स वो कलेक्शन ऑफ 7 कलर है। अब ये हमने देखना है कि जो लाइट यहां से आ रही है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। रीजन थोड़ा टिपिकल है बट इससे टोटली अंडरस्टैंड हो जाएगा। जैसे देखिए अगर लाइट मीन्स यहां से जो व्हाइट लाइट चल रही है अगर वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो अपने वे में वो क्या करती है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ स्ट्राइक करती है, और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी इट मीन्स कि उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? और जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी इसका मतलब कैस्केडर होने के लिए एनर्जी क्या बचेगी, कम बचेगी। अब जैसे ब्लूइश कलर है वो ऊपर की साइड ही अपीयर होती है, अगर वो ऊपर की साइड ही अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना। अगर लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी तो इसका मतलब क्या है, वो कम ही पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी। अगर वो कम पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करेगी तो इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन कम एनर्जी की हुई, तो स्कैटर होने के लिए एनर्जी क्या बचेगी, हाई बचेगी। एक रिलेशन आपने याद रखना है, E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू, मीन्स एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एंड न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और वी कैन से न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा, मीन्स लैम्डा इज अ वेवलेंथ। क्लियर? अब आपको पता है कि अगर वो स्कैटर ठीक है ज्यादा अमाउंट की एनर्जी कर रही है तो इसका मतलब एनर्जी क्या है, हाई है स्कैटर होने के लिए। अगर एनर्जी हाई है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हाई है तो वेवलेंथ क्या होगी, लेस होगी, और वेवलेंथ किसकी लेस होती है, यू कैन सी कि इन दिस कैटेगरी की ब्लू कलर की होगी, और यू कैन से वायलेट कलर, बट फिर भी ब्लू क्यों, बिकॉज अवर आईज आर मोर सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर। मीन्स मैंने आपको दो रीजन बता दिए, एक तो इसके थ्रू और एक सिंपल बीप क्योर सेक्शन के थ्रू, आप जैसे मर्जी यूज करें आप दोनों से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? सो स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन होगी, जो हमारे पास 3 एप्लीकेशन हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर?